हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम ठंड में बनने वाली बहुत ही आसान रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके पेन में 3 कप पानी गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप फ्रेश मटर के दाने, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम मटर को 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हमें मटर को 90% तक पानी में पका लेना है। 8 से 10 मिनट बाद मटर को हम चेक करेंगे। मटर में हल्का सा कच्चापन है, लगभग 90% तक मटर पक गए हैं। हमें मटर को इतना ही पकाना है। अब हम मटर को पानी में से निकालेंगे और अब हम मटर को ठंडे आइस वाले पानी में डालेंगे। इससे मटर फ्रेश और हरे रहेंगे। अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पेन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप फ्रेश बारीक कटी हुई मेथी। मेथी को हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। मेथी को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तीन से चार मिनट मेथी को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे अलग निकालेंगे और अब हम सेम पेन में 1 टेबल स्पून तेल और डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च, 1 हरी इलायची। कुछ सेकंड इसे फ्राई करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक। अदरक और लहसुन को हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने रफली काट कर लिया है। साथ में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून काजू डालेंगे। इस रेसिपी में हम काली मिर्च और हरी मिर्च का ही यूज़ करेंगे, तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम प्याज को भी 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम टमाटर को लो फ्लेम पर ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट टमाटर को हमने ढककर पका लिया है। अब हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में निकालेंगे। मिक्सी के जार में निकालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके पेन में 1 टेबल स्पून तेल और डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। कुछ सेकंड जीरे को फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 4 से 5 मिनट पकने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मटर और मेथी डालेंगे। दोनों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार दूध डालेंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसे एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 4 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे
और अब हम इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। 2 मिनट बाद बहुत ही आसान मेथी मटर मलाई बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। इससे आप गर्मा गर्म रोटी या चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।